नमस्कार जे ऑनलाइन स्टडी में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है जे ई अकेडमी इलेक्ट्रिकल के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आज ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑक्सीटर्स का आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑक्सीटर्स का यहाँ पे नीट डाइग्राम दिया गया है देखिए एक मेन कॉमन डिफरेंस जो है कॉलपिट्स ऑक्सीटर और जो ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑक्सीटर है उनमें एक मेन कॉमन डिफरेंस ये है कि ये जो है कॉलपिट्स ऑक्सीटर का मोडिफाइड फॉर्म है और ये एक क्रिस्टल ऑक्सीटर के जैसे एक्ट करता है इसमें सिर्फ एक चेंज ये कर दिया गया है कि जो यहाँ पे आपका आउटपुट दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ आउटपुट के सिरे में आउटपुट के टर्मिनल्स में एक फीडबैक सिस्टम वाई कनेक्ट कर दिया गया है जो कि आपका फीडबैक का काम कर रहा है ये टर्मिनल जो मैंने सर्कल अभी किया आप देख सकते हैं दिस टर्मिनल आर कॉल्ड एज अ वाई विच इज़ टर्म एज अ फीडबैक सिस्टम इन सच टाइप ऑफ ऑक्सीटर्स चलिए थोड़ा इसके सर्किट्स को समझते हैं जानने की कोशिश करते हैं आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के जितने भी एसेसरीज हैं वो आजकल एग्जामिनेशन में ट्रेंड किए जा रहे हैं तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें हम इसको एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे कि आखिर कैसे ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑक्सीटर आपका परफॉर्म करता है वर्क करता है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जल्दी से इसी वीडियो में हम सीख लेंगे तो वाई तो आपका फीडबैक नेटवर्क हो गया देखिए ये जो क्रिस्टल इसमें लगा होता है वो आपका कैसा एक्ट करता है पैरल ट्यून्ड सर्किट जैसा कैसा करता है सर पैरल ट्यून्ड सर्किट सिकटी अच्छा पैरेलल ट्यून्ड सर्किट जैसा आपका कौन काम करेगा क्रिस्टल काम करेगा यानी क्रिस्टल का ऑब्वियसली जो वर्क हो गया वो आपका क्या करना है पैरेलल ट्यून्ड सर्किट पैरेलल ट्यून्ड सर्किट जैसे काम करेगा ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको किसी अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए चलो अब आगे आते हैं इस सर्किट में देख सकते हैं इंस्टेंट ऑफ रेजोनेंस के केस में एल सी वन प्लस सी टू यहाँ पर सी वन और सी टू आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है सी वन और सी टू ठीक है तो पैरेलल रेजोनेंस के क्रिस्टल में पैरेलल रेजोनेंस में जो इम्पिडेंस अब तो जो भी क्रिस्टल का इम्पिडेंस होगा वो आपका क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा इम्पिडेंस आपका मैक्सिमम हो जाएगा पैरेलल रेजोनेंस के कंडीशंस में आ रही है बात समझ में इस बात को भी आप नोट करिए इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा किसमें C1 में ये वाला जो कैप्सिटर C1 है स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा C1 में उस वोल्टेज को एवॉइड करने के लिए इस C1 को हमने क्या कर दिया ग्राउंडिंग कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं सीवन इज ग्राउंडेड परमानेंटली ठीक है इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो फीडबैक सिस्टम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो आपका फीडबैक सिस्टम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा बात समझ में आई तो मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफ़र फीडबैक नेटवर्क जिसको कि हम क्या बोलेंगे एफ ऑफ पी बोलेंगे एफ़ ऑफ पी तो फीडबैक नेटवर्क से मैक्सिमम इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इस ऑस्पेक्ट से बन सकता है तो दो तीन चीज़ें आप याद रखिए पैरेलल रेजोनेंस के कंडीशंस में ये जो कैप्सीटर है इसमें मैक्सिमम वोल्टेज क्रिएट होगा जो कि ग्राउंडिंग हो जाता है और फीडबैक सिस्टम से आपका मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होता है किसमें ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑक्सीटर में ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चलिए प्यारे स्टूडेंट्स अब हम इसके बारे में जानते हैं कि वाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑक्सीटर तो देखिए एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है वो क्या होता है हाई होता है हाई ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इसकी होती है ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑक्सीटर की सेकेंड है आपका द क्वालिटी फैक्टर क्यू अब द क्रिस्टल इज़ वेरी हाई इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है क्यू जिसको आप कहते हैं क्वालिटी फैक्ट क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर हाई एज टेन थाउजेंड कंपेयर टू अबाउट हंड्रेड ऑफ एल सी टैंक जो भी आपके एल सी टैंक्स होते हैं हंड्रेड उसका ये टेन थाउजेंड हायर देन होता है क्रिस्टल तो ये आपके दो एडवांटेजेज हैं क्यू फैक्टर क्वालिटी फैक्टर का हाई होना तो हाई का मतलब ये है कि और वो अच्छे से परफॉर्म करेगा चलिए तो इसका ऑर्डर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी हाई है और दूसरा इसका क्वालिटी फैक्टर हाई है ये इसके एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस में दे आर हाई फ्रीगल एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन ओनली बी यूज इन लो पावर सर्किट्स इसको सिर्फ लो पावर सर्किट्स में हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स ये इसका डिसएडवांटेज है हाई पावर सर्किट्स में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते किसका ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑक्सीटर का चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट है आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीशंस कैन नॉट बी चेंजड एप्रिशियबली अगर आप चाहें कि इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लें ऑक्सीशन्स की तो भी आपका पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों प्यारे स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों ट्रांजिस्टर क्रिस्टल ऑक्सीटर्स के ये थे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को नस्ते नाबूद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को हम लेके आते रहेंगे और बस आप हमसे जुड़े रहें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन प्रेस करते ही आपके पास मेरे जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा तो आप सब्सक्राइब कर लें और जितने भी पुअरेस्ट टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी वीक है और जो प्रिपरेशन के मोड में है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें फ्री ऑफ कास्ट सारे नॉलेज को ले सकते हैं आप हमसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं आपको किसी भी क्वेश्चन आंसर का जवाब दे दूंगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन में कल लाइव स्ट्रीमिंग देखना मत भूलिए कल रात आठ बजे वैसे तो रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज नहीं आते हो तो तो कल लाइव स्ट्रीम जरूर आइए मिलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में कल और सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से चलेंगे और आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक कवरिंग करने की कोशिश की जाएगी आप सभी लोगों का दिन बहुत ही बेहतर हो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच